हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है 8:30 और हम अभी 5-10 मिनट पहले उठे। फिलहाल तो अभी बैठे हुए हैं। कुणाल स्कूल चला गया क्योंकि आज उसका कुछ ओलंपियाड वगैरह था, उसके लिए वो स्कूल गया। तो फिलहाल हम चाय का वेट कर रहे हैं। फिर आज जैसा सुने अभी मम्मी बताई कि कुछ गेस्ट वगैरह आने वाले हैं, जिसके चलते हम अभी कुछ मार्केट जाने वाले हैं। 5 मिनट में कुछ कुछ सामान वगैरह लाना है तो चला जाएगा। फिलहाल चाय का वेट करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। नहीं आएगा तो पहले मार्केट ही चला जाएगा। तो चलिए चाय का वेटिंग किया जाए। फिलहाल वीडियो कल रात में एडिट हो गया था और हम अपलोड भी कर दिए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के चलते, कुछ उसका टेक्निकल इशू के चलते वीडियो हमको डिलीट करना पड़ा और फिर से उसको कुछ एडिटिंग वगैरह बचा हुआ रह गया था, तो वो फिर एडिट करके हम डाल दिए हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं जाके, या आप लोग अभी तो अपलोड हो रहा है, आप अभी तक देख चुके होंगे। तो चलिए वेट करते हैं चाय का, चाय आएगा फिर मार्केट से आ जाएगा। देखिए मौसम काफ़ी अच्छा किया हुआ है, बाहर धूप वगैरह किया हुआ है, गर्मी भी लग रहा है लेकिन फिर भी हल्का हल्का हवा चल रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए चाय का वेट करते हैं और फिर देखा जाएगा मार्केट जा जाएगा और क्या क्या करना है सब। आज फिलहाल तो कोचिंग है तो बहुत प्रेशर भी है, सी क्या होता है आज। तो चलिए वेट किया जाए 2 मिनट। तो गाइज हम लोग फिलहाल तो मार्केट जाने के लिए निकल चुके हैं और जैसा आप देख पा रहे होंगे रोड पे फिर से पहले जैसा भीड़ भाड़ हो गया है। नहीं तो आप देख ही थे ये गली पूरा खाली रहता था नॉर्मली। आज जाके मतलब सब्जी नॉर्मल जैसा लग रहा है। तो चलिए चला जाए। तो गाइस फिलहाल तो एक दो सामान का शॉपिंग हो गया अपना, अब सब्जी कुछ एक दो लेना है और उसके बाद फिर घर। तो गाइस पूरा शॉपिंग कंप्लीट हो गया है अपना, फिलहाल तो अब घर जा रहे हैं और बस चलिए चला जाए। Thank you.
सो जाने हैं, चाय वगैरह पिया जाएगा, चाय वगैरह पिए हैं, बहुत सारा काम है गेस्ट लोग आ रहे हैं उनके लिए, चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। हम फाइनली नहा के तैयार हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे, फिलहाल तो पूजा भी हो गया मेरा, तो अब जा रहे हैं नाश्ता करने, तो देखते हैं क्या बना है नाश्ते में, खुद निकालना पड़ेगा, तो जाते हैं जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि बहुत तेज भूख लग गया, टाइम भी तो आखिर 11:30 हो गया, चाय तो आज नहीं मिला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नाश्ता ही करना पड़ेगा, जाते हैं नाश्ता करके आते हैं, फिर देखा जाएगा क्या क्या करना है। टाइम हो रहा है 12:30 और फिलहाल हम बैठे हुए हैं और मम्मी भी देखिए अपना शील्ड पहन कर बैठी हुई है, ये किचन में काम भी कर रही है। हम लोग के यहाँ बन रहा है आज पनीर चिली गेस्ट के लिए, तो वही देखिए छना रहा है पनीर, मतलब ये अखरोट डाल के इतना रखा हुआ है और इतना में और होगा, और ये कुछ सब्जी वगैरह है, ये हम काटे कैप्सिकम ये सारा, तो देखिए टेस्टी टेस्टी आपको दिखाते हैं कितना सारा है, बहुत सारा है, अभी इतना और छनाएगा तो काफ़ी टेस्टी। फिलहाल तो मम्मी बहुत थक गई है काम करते करते, बहुत परेशान हो गई है, 3 दिन से लगातार काम ही कर रही है, होली से लेकर उससे पहले से। फिलहाल हम भी बैठे हुए हैं मोबाइल वगैरह देख रहे हैं, तो और देखते हैं मम्मी को अगर कुछ हेल्प चाहिए होगा तो हम मदद करेंगे, तो रेस्ट करते हैं। जो भी टाइम हो रहा है 2:50 और फिलहाल तो हम जैसा आप देखिए उस समय नाश्ता वगैरह कर लिए थे, नाश्ता करने के बाद कुछ कुछ मम्मी का हेल्प किए नाश्ता बनाने में, गेस्ट तो अभी फ़िलहाल नहीं आए हैं, तो हमको तो लेकिन कोचिंग जाना है, तो हम अपना कोचिंग जाएंगे, अगर आएंगे वो लोग कब आएंगे हमको कोई आइडिया नहीं, अपने को तो आना है जाना है कोचिंग बस, दैट्स ऑल। तो फिलहाल हम जा रहे हैं कोच मतलब कोचिंग के लिए तैयार होने, और फिर बीच में थोड़ा देर सो गए थे क्योंकि तो पता नहीं अचानक थका हुआ जैसा लगने लगा, कमजोरी लगने लगा तो सो गए थे, तो अभी उठे हैं सो गए, अब जा रहे हैं जल्दी से कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं और फिर कोचिंग निकला जाएगा चल के, क्योंकि कोचिंग में लेट नहीं करना है, पता नहीं आयरन होगा कपड़ा कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट डे आयरन किए थे नहीं किए थे वो भी हमको याद नहीं, तो चलिए तैयार होकर मिलते हैं आप लोग से। तो गाइस हम कोचिंग जाने के लिए रेडी हो गए हैं, फिलहाल तो अब निकल रहे हैं जाने के लिए, तो चलिए 3:30 हो गया, लेट हो जाएगा जाते जाते, ज़्यादा लेट नहीं करना है, तो मिलते हैं आप लोग से शाम में आके। फिलहाल तो देखिए कुणाल यहाँ बैठा हुआ है, मस्त सो के उठाया अभी, और मम्मी भी सो के उठी हुई है तो बैठी हुई है, तो चलो बाय बाय। फिलहाल तो टाइम हो रहा है अभी 10:30 और हम लोग का खाना वगैरह हो गया, फिलहाल तो जो गेस्ट आने वाले थे वो धोखा दे दिए नहीं आए, वो बोले कि कुछ काम में फंस गए, वो कैंसिल कर दिया ना, हम लोग का पैसा बर्बाद करवा दिए, बहुत गलत बात है, अगर नहीं आना रहता है तो उन्हें तो पहले बता देना चाहिए। साथ में मम्मी कितना परेशान हुई, सुबह से हम लोग कितना काम किया, आराम तक नहीं कर पाया अच्छा से, तो फिलहाल तो हम बैठे हुए हैं और पापा सो गए, मम्मी भी बैठी हुई है, और बस ये दुख कर रहे हैं कि अब तो नहीं आए तो नहीं आए, बात खत्म। तो फिलहाल अब देख पा रहे हैं हम दूसरे रूम में हैं, वो सोने वाले रूम में नहीं है, कारण कि यहाँ एसी चल रहा है और एसी के चलते हम बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, अभी भाप लेना बाकी है तो भाप लेंगे, फिर दवाई लेके फिर सो जाया जाएगा, और मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, तो रात के खाने में तो वही खा लिए थे जो पनीर चिली बना था, अब जा रहे हैं वीडियो एडिट कर लेते हैं, तो होप यू लाइक द ब्लॉग, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बाय बाय, गुड नाइट।